सो बेसिक ये कलर है, इसको इस कलर को क्या बोलते हैं? ग्रे। ओके सो ये है ग्रे कलर, उसके बाद दिस इज सिल्वर और दैट्स ब्लू, वो ब्लू है और इसके बाद में दैट्स सिग्नेचर कलर ब्लू। तो मतलब ये कलर ऑप्शन है, इसके अंदर और भी कलर ऑप्शन है वो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। Hey guys, welcome back to another video. मेरा नाम है दीपक। सो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने लेके आया हूँ बलिनो, जो कि फेसलिफ्ट है, अभी न्यू अपडेटेड मॉडल इन्होंने फेसलिफ्ट निकाला है। क्या क्या चेंजेस है इस मॉडल के अंदर प्रीवियस मॉडल से और क्या क्या न्यू अपडेट्स है इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना चैनल, थैंक यू सो मच। तो चाबी से शुरू करते हैं। तो ये है बड़ी क्यूट सी सॉफ्ट सी चाबी, छोटी सी चाबी, एंड ये है मॉडल। सो ये है टॉपस मॉडल मेरे सामने अभी जस्ट, एंड फोर वेरियंट्स इस मॉडल के अंदर आते हैं, जो कि शुरू होता है यहाँ DRL से। दिस इज़ द DRL, एंड DRL बोले आप इसको या फिर हाईलाइट साइट बोले, प्रोजेक्टर के साथ में नॉर्मल आपको 3 डॉट्स पे मिलेंगी, यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिलेगा, एंड दिस इज़ प्रोजेक्टर हेडलैम्प, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको शार्प ग्रिल मिल रही है, एंड यहाँ पे क्रोम पार्ट आपको मिल रहा है। तो बेसिक मॉडल में देखा जाए तो वो ज़्यादा अग्रेसिव लग रहा है, एंड यहाँ पे आपकी सुजुकी की बैचिंग, एंड यहाँ आपको मिल रहा है क्रोम के साथ में फॉग लैम्प, एंड दिस इज द फ्रंट प्रोफाइल। तो ये है फ्रंट की प्रोफाइल बलिनो की, एंड इसके साइड में आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि डोर पे आपको क्रोमिंग पार्ट, इसके बाद में आपका स्मार्ट एंट्री, साइड में लाइनर क्रोम, और इसके बाद में यहाँ पे आपको मिलेंगी LED की प्रोफाइल्स, पीछे आपको रियर टेल क्रोमिंग पार्ट, इसके बाद में द लेग रूम, यहाँ पे दो हेडरेस्ट हैं, दोनों के दोनों एडजस्टेबल हैं, बीच में कोई भी किसी भी तरह का आर्मरेस्ट नहीं है। अंकल थोड़ा सा अच्छे करके बैठेंगे पीछे थोड़ा सा। तो ये है रियर प्रोफाइल में स्पेस, कि आपको स्पेस कितना, अंकल सही लग रहा है स्पेस, बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे कंफर्टेबल जोन के लिए AC वेंट दिया हुआ है, एंड दो आपको USB पोर्ट मिल रहा है। सो AC की जो कूलिंग है बहुत बढ़िया है, फ्लो बहुत अच्छा है। तो ये आपका हेड रूम, शोल्डर रूम और आपका लेग रूम। तो पीछे का स्पेस ये है कुछ बलिनो के अंदर, हालांकि इस सेगमेंट में सबसे अच्छा स्पेस कैरी करता है बलिनो। तो सो टॉप मॉल के अंदर आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा सेंसर्स, यहाँ पे सेंसर्स मिल रहे हैं, रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल रहा है, डिफॉगर मिल रहा है, एंड वाइपर्स के साथ में आपको शार्क फिन एंटीना टॉप मॉडल में भी नहीं है, यहाँ पे नॉर्मल एंटीना मिलता है, एंड दीज आर द LED लैंप्स। एक बारी ब्रेक दबाना भैया, हेड लैम्प ऑन करना, एक बारी पूरी लाइट नहीं जलती, उधर स्विफ्ट में जलती है, इसमें लाइट नहीं है ना, ये वाली पूरी, ये पूरी लाइट नहीं जलती ना। ओके सो यहाँ पे 3 डॉट बल्ब भी हैं, एक ये LED है और यहाँ पे LED दी हुई है, और ये आपका ब्रेक लाइट्स और आपका इंडिकेटर। तो ये है कुछ रियर प्रोफाइल इसकी। सो ये है टॉप मॉडल के अंदर आपको 9.1 इंचेस का स्क्रीन सिस्टम मिल रहा है, ठीक है। तो ये अगर मैं बात करूँ डेल्टा मॉडल, मतलब सिग्मा से एक मॉडल ऊपर आता है, उससे स्क्रीन सिस्टम बड़ा है, उसमें छोटा स्क्रीन सिस्टम है, देखने में बड़ा ऐसा लगता है आफ्टर मार्केट लगवा दिया, बट यहाँ पे ग्लॉसी फिनिश के साथ में आपको मिल जाता है। तो यहाँ जो फील है, ओके सो दिस इज हेड अप डिस्प्ले, यहाँ पे आपको ब्लूइश शेड मिलेगी, फैब्रिक इंटीरियर आपको मिलता है कम्प्लीटली, कोई लेदर पॉस्ट्री नहीं है, यहाँ पे आपको मिलता है ऊपर रेडिंग लैम्प एक हैलोजन के साथ में, बोथ साइड्स ऑफ वैनिटी मिरर्स, इधर भी, एंड यहाँ पे आपको IRVM आपको मिलता है ऑटो डिमिंग, और यहाँ पे ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल बेसिक मॉडल्स है। दिस इज द एनालॉग विद 4.1 इंचेस की या नियर अराउंड इतनी है मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले। ये थोड़ी सी मुझे अट्रैक्टिव सी लगती है, क्योंकि इसका जो इंटरफेस है वो थोड़ा सा क्लासी सा फील कराता है। गाड़ी स्टार्ट हो गई है, एंड दिस इज द सरप्राइज कि ये है इसका बेस्ट इन क्लास फीचर, जो कि हेड अप डिस्प्ले का ऑप्शन आपको मिल जाता है इसके अंदर, और ये हेलो, इसके बाद में यहाँ पे इसने दिखाई मेरे को अभी मीटर से रिलेटेड एक्सेलरेशन से, जैसे मैं एक्सेलरेटर प्रेस करूँगा तो मे बी वहाँ पे डिस्टेंस की जो किलोमीटर की रीडिंग है वो वहाँ पे आपको दिखेगी, और भी काफ़ी ज़्यादा फीचर्स के अंदर रहेंगे। एंड यहाँ पे आपका दिस इज MID, ये आपका इसमें क्या क्या मिलेगा आपको, फ्यूल की इंफॉर्मेशन आपको मिल गई इसके अंदर, पेयर डिवाइस ये ब्लूटूथ हो गया, इसके बाद में होम हो गया। अच्छा बड़ा नया सा लग रहा है ये चलाने में, क्विक रिस्पांस है वैसे, मतलब ऐसे नहीं बोल सकते यार चलने में ठीक नहीं लग रहा है या किस तरह से, तो ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। So, क्या ये इसके अंदर आपका Android Auto फुल्ली फंक्शनल है? ओके ठीक है, और इसमें क्या स्पेशल चीज है, जैसे कि ये वाईफाई के क्या नेटवर्क आ रहे हैं इसमें? वाईफाई है इसमें, अभी
थोड़ा सा हमारी भी ट्रेनिंग वगैरह। अच्छा, मतलब अपना खुद का मोबाइल, खुद के हॉटस्पॉट के थ्रू इसे चला सकते हैं? थ्रू चला सकते हैं, जैसे ये ओपन करते हैं तो उसमें वेलकम, हाय, गुड मॉर्निंग, कुछ भी सारी चीजें आप मैसेज आ जाएंगे। ये फंक्शन बीच में दिया हुआ है। अच्छा ठीक है जी। तो ये रजिस्ट्रेशन करके यूपी के अंदर कितने का पड़ता है? टॉप मॉडल अराउंड 1046 के राउंड में। भैया 10 लाख रुपए का टॉप मॉडल पड़ रहा है, फिर तो आपके कंपटीटर भी बहुत हैं 10 लाख रुपए में, तो किया की कारनेंस आ गई है। बिल्कुल देख सकते हैं, लेकिन वो चीज भी आप एक बार कंपेयर कर सकते हैं कि उस 10 लाख के मॉडल में आपको क्या-क्या चीजें मिल रही हैं। कारनेंस जो आ रही है वो तो 7 सीटर है ना, शायद 5 सीटर। जो बेसिक वाला मॉडल दिया है इसमें आपके 6 एयरबैग्स वगैरह सारी चीजें एक बार आप देख सकते हैं। इसमें हमारी में बेस, मतलब बलिनो में बेस मॉडल में एयरबैग कितने? ड्यूल एयरबैग है, एबीएस, ईबीडी, ट्रैक्शन कंट्रोल भी है शायद, सेंसर वगैरह सारी चीजें आपके इसमें। अच्छा ठीक है। टॉप मॉडल ये पड़ता है 10 कुछ का जी। मेन एसओपीज क्या है इसकी, टॉप मॉडल की? एक तो हेडअप डिस्प्ले हो गया, हेडअप डिस्प्ले हो गया है, ठीक है, क्रूज कंट्रोल आ गया है, क्रूज कंट्रोल आ गया है, सिस्टम आपका ये 9 इंचेस का आ गया, 9.1 इंचेस नियर है, ठीक है। और जो आपका, अगर मैं बात करूं इसकी, आपकी जो डिस्प्ले है आपकी 360 जो कैमरा इसमें, हां वो कैसे चलता है 360 डिग्री कैमरा? आप एक बार जैसे भी एक बार बैक वगैरह कुछ इसमें डालते हैं, रिवर्स डालते हैं, सारी चीजें इसमें आपकी आ जाएगी। अच्छा तो ठीक है। अच्छा टैप कैसे होगा जी? अच्छा पीछे टैप किया, ये हो गया लेफ्ट साइड का, ये हो गया जी राइट लेफ्ट, सारी चीजें इसमें आपकी दी। अच्छा मतलब 360 डिग्री कैमरा देखा जाए तो सबका सेम ही चलता है यार, एमजी हेक्टर तो मतलब एमजी हेक्टर से तो साफ ही है इसका कैमरा सर जी। वैसे जो फुल्ली इसमें देखेंगे तो आप प्रोजेक्टर हेडलैम्प फ्रॉम द बेसिक मॉडल, दिस इज सिग्मा एंड नोन क्रोम ग्रिल, देयर इज नो फॉग लैम्प, इंपोजिंग डिजाइन, साइड में चल रहे हैं, दिस इज R15 185/65, तो रिम लगेगा, कैप लगेगा, ब्लैक ORVM, ब्लैक डोर हैंडल, इसके बाद में देर इज नो क्रोम लाइन। पीछे की बात करें सो पीछे आपको मिलेंगी LED टेल लाइट्स, तो ये भी अच्छा है, डिफॉगर फ्रॉम द बेसिक मॉडल, ये सबसे अच्छी चीज़। शार्फिन के जरा नॉर्मल एंटीना खुलेगा, बहुत अच्छा खासा बोट स्पेस, देर इज नो रिवर्स पार्किंग कैमरा, फोर नोब्स आपको सेंसर्स मिलेंगे 1, 2, 3, 4, भैया ठीक है। सो पावर विंडो सेंटर लॉकिंग ये आपको मिल रहा है, एंड लकीली 4 पावर विंडोज मिल रही हैं, हाइट एडजस्टमेंट नहीं है सो सॉरी, ये सिर्फ आप रिक्लाइन करेंगे इसको। उसके बाद में देयर इज नो म्यूजिक सिस्टम, कोई बात नहीं, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिल रहा है बेसिक मॉडल के अंदर। यहाँ पे आपको मिल रहा है MID मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले 4.1 इंचेस के साथ में, नॉर्मल ऑडोमीटर्स, एंड देयर इज नो स्टीयरिंग कंट्रोल्स, ग्लोव बॉक्स कूल है और नॉर्मल है, नॉर्मल ग्लोव, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा नॉर्मल ग्लोव बॉक्स, के बाद में यहाँ पे आपको लाइटर चार्जर एंड 5 स्पीड आपका मैनुअल ट्रांसमिशन, सो यहाँ पे अपना हैंड ब्रेक, मतलब अगर बेसिक मॉडल को भी देखा जाए काफ़ी अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश की है, जितने फीचर्स चाहिए थे, जो चेंजेस चाहिए थे वो बहुत सही चेंजेस इन्होंने किए हैं इसके अंदर। और ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल एसी बेसिक मॉडल में देने का मतलब है कि मतलब मज़ा ही आ गया, चलो ये भी अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आपको वही आइडल स्टार्ट स्टॉप का स्विच और पेट्रोल गेज और बूट और पेट्रोल गेज और आपका हुड। तो ये थे कुछ फीचर्स अबाउट सिग्मा मॉडल बेसिक मॉडल। इसके साथ में आपको मैं अब डेल्टा मॉडल के पास में लेके चलता हूँ, वो दिखता कैसा है। दिस इज़ अ साइड प्रोफाइल, ये साइड से इस तरह से दिख रहा है, एंड ये आपका फ्रंट हो गया, ठीक है। डेल्टा कौन सा वाला है? वो डेल्टा है, ये वाला दिस इज़ अ टॉपस मॉडल। दोनों सामने खड़े हुए हैं आप देखो तो दोनों सामने से सामने में दोनों, बल्कि बेसिक मॉडल जो सिग्मा है ना यही ज़्यादा अग्रेसिव लग रहा है, यही ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा बोल्ड लग रहा है। एंड यहाँ पे आपको क्रोम लाइन मिल जाएगी और ब्लैक स्ट्रिप के साथ में, और ये लोगो जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा लग रहा है क्योंकि ग्रिल इस तरह से डिज़ाइन की हुई है तो लोगो काफ़ी ज़्यादा बड़ा लग रहा है। तो यहाँ पे मिलेंगे आपको 3 डॉट्स LED DRLs, ठीक है, एंड यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेम जो बेस मॉडल में, एंड दिस इज फॉग लैम्प। साइड में आपको जो अलॉय व्हील मिल रहे हैं यहाँ पे मिलेंगे टोटल आपके R16 अलॉय व्हील्स, यहाँ मिलेंगे 15 और यहाँ मिल रहे हैं आपके 16 विद न्यू शेप डायमंड शेप अलॉय व्हील्स, मतलब और भी कुछ नाम है इसका अलग। तो डिस्प्ले इसमें ही मिल रहा है आपको, यहाँ पे आपको डिस्प्ले मिल रहा है पीछे भी, ओके सो यहाँ पे आपको ड्रम मिलेंगे
सिर्फ आगे ही है इसमें डिस्पैच जो है, पीछे आपको ट्रम्प मिलेगा। मेरे साथ में यहाँ पे अंकित रिप्रेजेंटेटिव है फ्रॉम नेक्सा, ठीक है। सो ये इन्फॉर्मेशन देंगे अबाउट, अभी सिग्मा की बात करेंगे हम जी, इसके बाद सिग्मा, डेल्टा, डेल्टा, जेटा एंड अल्फा, जेटा एंड अल्फा, जो चार वेरिएंट्स हैं, चार वेरिएंट्स हैं। क्या क्या चेंजेस हैं, जैसे कि अभी मैंने सिग्मा दिखाया तो सिग्मा से, और नेक्स्ट मॉडल आएगा आपका जो डेल्टा आ जाएगा, डेल्टा के अंदर नेविगेशन के साथ म्यूजिक सिस्टम आ जाएगा। कितने इंचेस? उसमें 7 इंचेस का जो म्यूजिक सिस्टम दिया है आपका, ठीक है। टच स्क्रीन है, टच स्क्रीन है, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या, एप्पल कारप्ले आएगा, एप्पल कारप्ले, नेविगेशन, वॉइस कमांड, सारी चीज उसके अंदर। वॉइस कमांड में क्या क्या आता है? वॉइस कमांड में आपका ये आ जाएगा, कोई भी अगर हम किसी को जैसे करते हैं कॉल अपने मोबाइल में कोई भी, अच्छा आपका दैट्स वॉइस कमांड बेसिकली, कि आप अगर किसी का कॉन्टेक्ट नंबर सेव करते हैं किसी हिंट से तो आप जैसे टैप करेंगे, अगर आपने किए हुए तो सेम उसी के थ्रू आप। ओके, सो उसके अंदर नॉर्मल वॉइस कमांड आपका आ जाता है। इसके बाद में और मेजर क्या चेंजेस है? अलॉय व्हील, अलॉय व्हील से थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। अच्छा, डेल्टा में अलॉय व्हील आते हैं? नहीं नहीं, डेल्टा में आपके व्हील कवर आएंगे उस टाइप के। अच्छा, व्हील कवर आएंगे, जेटा से अलॉय स्टार्ट है, ठीक है। तो बेसिक हमारे पास सिग्मा हो गया, सिग्मा के बाद डेल्टा हो गया, जेटा हो गया, जेटा हो गया, देन अल्फा, ठीक है। तो अलॉय व्हील अपने जेटा से आएंगे, जेटा और अल्फा, जेटा और अल्फा जो टॉप मॉडल जी, जेटा का 1 इंच टायर कम रहेगा, अल्फा में आपका 16 इंच आएगा अलॉय, और जो जेटा है वो 15 इंच रहेगा, ठीक है। प्राइस में कितना कितना फर्क है सिग्मा से लेके अराउंड 90 के अराउंड जो उसमें डिफरेंस है, जो सिग्मा से आते हैं डेल्टा 90,000 और डेल्टा से, डेल्टा से अगर जेटा करेंगे उसमें भी 1 लाख के आसपास, तकरीबन 1 लाख रुपए से। वेटिंग, वेटिंग क्या चल रहा है अभी सर? अभी जो स्टार्टिंग है वही 6 से 8 हफ्ते की, अभी ऑफिशियल शायद आज कुछ अनाउंस हो जाए। अच्छा, अभी जो हमारे पास इंजन वो है 6 से 8 हफ्ते की, 6 से 8 हफ्ते। अगर कोई बुकिंग कराता है आज तो उनको गाड़ी मिलेगी 6 से 8 हफ्ते के बीच जी, में जी, जी। ऐसे भी होता है कि प्री डिलीवरी करा देते हैं बीच में अगर कुछ ऊपर नीचे होती है, बिकॉज कैंसिलेशन भी होता है, कोई वेट नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी ना सबसे पहले ऑलमोस्ट काफी अच्छी बुकिंग लग चुकी है हमारे पास। कितनी बुकिंग हो गई है? 300 के आसपास, 300 बुकिंग अभी आज ही खुली है ना बुकिंग? नहीं नहीं, वो आज नहीं, जो प्री बुकिंग जो भी थी। जो तो मैं इनका नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर एक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, अगर आप कोई भी डिटेल लेना चाहते हैं अबाउट नेक्सा के मॉडल के रिगार्डिंग, बलिनो है या फिर जो भी इनका प्रोडक्ट होता है, तो आप डिटेल्स ले सकते हैं। भैया का नाम? मेरा नाम अंकित ढाका। अंकित ढाका जी है यहाँ पे, तो आप इनसे डिटेल ले सकते हैं, कोई भी बुकिंग अगर करानी है आप डायरेक्टली हमसे करा सकते हैं। इसके बाद में सिग्मा के बाद में डेल्टा आता है, डेल्टा के अंदर क्या क्या चेंजेस है वो बता देता हूँ। यहाँ पे आपको फ्रंट में सबसे पहले क्रोम की ग्रिल मिलेगी, ठीक है। इसके साइड में जो आपके डोर हैंडल्स हैं वो आपके बॉडी कलर आ जाएंगे, आपका साइड मिरर जो है बॉडी कलर आ जाएगा विद साइड इंडिकेटर, ठीक है। इसके बाद में अलॉय व्हील दोनों के सेम है, मतलब सिग्मा के भी सेम है और डेल्टा के भी सेम है। एंट्री की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको मिलेगा स्टेयरिंग कंट्रोल्स, आपको मिल जाएंगे वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम डाउन के लिए, ठीक है, पहला जो चेंजेस है। इसके बाद में ये आपकी 7 इंचेस की डिस्प्ले आ जाएगी, बड़ी फनी सी लग रही है, फनी इन द सेंस के यार छोटी सी लग रही है, ऐसा लग रहा है एडजस्टमेंट बाहर से आफ्टर मार्केट इसमें लगवाई हुई है, ठीक है। स्पोर्ट पे यहाँ पे आपको ग्लॉसी फिटमेंट मिल जाएगी और ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल ऐसी, वाह जी वाह क्या बात है। यहाँ पे आपको USB पोर्ट मिल जाएगा एंड यहाँ पे आपको गियर के ऊपर भी आपको क्रोमिंग पार्ट मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जो सॉफ्ट टच मिल रहा है वो फैब्रिक के साथ में मिलेगा, ठीक है, तो ये भी बहुत सही चीज़ है, ठीक है। नॉर्मल आपका IRVM मिल रहा है और अंदर तो कुछ यही चेंजेस हैं, बाकी पीछे देखते हैं पीछे क्या चेंजेस मिलेगा आपको। यहाँ पे आपको स्पेस मिल रहा है, स्पेस में ऑलरेडी आपको चेक करा चुका हूँ, तो बेसिक टू टॉप मॉडल काफ़ी अच्छा स्पेस मिलेगा मॉडल के अंदर। बट यहाँ पे पीछे कोई भी रियर वेंट नहीं है एसी का, बट लाइटर चार्जर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, जुगाड़ लगा के आप USB पोर्ट बना सकते हो। स्पीकर्स मिलेंगे आपको यहाँ पे, आपको म्यूजिक सिस्टम है तो स्पीकर्स भी इसके अंदर आ जाएंगे, 4 स्पीकर्स मिलेंगे। ट्विटर वगैरह नहीं है गाड़ी के अंदर, तो ये है रियर प्रोफाइल अंदर बैठ के, मतलब अंदर की प्रोफाइल है ये, ठीक है। और यहाँ पे आपको डोर साइड में आपको साइड में मिल रहे हैं आपको हैंडल, क्या बोलते हैं इसको, हैंडल बार और जो भी आप बोलो ग्रैब हैंडल, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। और पीछे क्या मिलेगा आपको वो भी देख लेते हैं। तो ये है कुछ रियर प्रोफाइल, कोई भी शार्क फिन एंटीना नहीं है, बेसिक टू टॉप मॉडल। यहाँ पे आपको मिलेगा रियर डिफॉगर, पीछे मिलेगा नहीं मिलेगा, कैमरा भी नहीं है, बस सेंसर्स हैं आपके 1, 2, 3, 4 सेंसर्स मिल रहे हैं। सेम वही प्रोफाइल है आपकी, LED और आपका ब्रेक लाइट्स और आपका इंडिकेटर और नीचे आपकी 3 डॉट्स LED। सो ये है कंप्लीट रिव्यू अबाउट तीनों मॉडल के बारे में, रिव्यू मैंने आपके सामने शेयर कर दिया है, छोटा सा रिव्यू है, कंप्लीट वीडियो में जल्दी आपके साथ में कोशिश करूंगा शेयर करने की। हो वीडियो अच्छी लगी तो आपको, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल थैंक यू सो मच। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको कि आपको इसके किस मॉडल के बारे में डिटेल्स आपको चाहिए, तो जल्दी प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे आप लोगों को, थैंक यू सो मच। एक चीज़ मैं बतानी भूल गया, जो इसका प्रोजेक्टर हेडलैम्प आएगा, मतलब सिग्मा और डेल्टा का, वो सिर्फ आपका प्रोजेक्टर तो रहेगा बट इसमें हेलोजन रहेगा आपका, बट टॉप मॉडल जो है उसमें आपके LEDs रहेंगे, ठीक है। तो एक ये बड़ा चेंजेस था